मुख्यमंत्री कमलनाथ जिन कांग्रेस विधायकों को अगवा करने का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, वो बेंगलुरु में पूरी मस्ती में हैं। इन विधायकों ने उल्टा कमलनाथ के ऊपर आरोप की झड़ी लगा दी है। इन विधायकों में से एक मुन्ना लाल गोयल का नाम और वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो गाना गाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के बागी विधायक गोयल का कहना है वे ठीक है और अपने इष्ट मित्रों के साथ बेंगलुरु में है। एमपी की अल्पमत कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ कह रहे हैं कि बीजेपी उनके विधायकों को अगवा करके बेंगलुरु में ले गई है, लेकिन इन बागी विधायकों ने कमलनाथ को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। इन विधायकों में से एक ग्वालियर पूर्व से सिंधिया समर्थक विधायक मुन्ना लाल गोयल का बेंगलुरु से बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अपनी इच्छा से अपने इष्ट मित्रों के साथ बेंगलुरु में हूँ और शीघ्र ग्वालियर लौटूंगा। पहले सुनिए मुन्ना लाल गोयल को। ग्वालियर में हमारे किसी सम्मानीय वकील द्वारा रिट दायर की गई है कि मुन्ना लाल गोयल गायब हैं। उनकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुन्ना लाल गोयल बेंगलोर में अपने इष्ट मित्रों के साथ हैं, किसी दबाव में नहीं है। अपनी स्वेच्छा से मैं आया हूं और शीघ्र ही मैं ग्वालियर आऊँगा और आपसे मुलाकात करूँगा। आपने मेरी चिंता व्यक्त की, इसलिए धन्यवाद। आप निश्चिंत रहें, मुन्ना लाल गोयल जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं और खुश हैं, और मुझे भी लगता है कि काफ़ी दिनों से अपने क्षेत्र की जनता से, अपने इष्ट मित्रों से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी ही ग्वालियर आऊँगा और मुलाकात करूँगा। आपकी चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री कमलनाथ जो कह रहे हैं वह सरासर झूठ है, ये मुन्ना लाल गोयल की बात से साफ हो जाता है। कमलनाथ ने अपनी ही पार्टी के लोगों के साथ जो व्यवहार किया वे उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। इस बीच विधायक मुन्ना लाल गोयल का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो भी बेंगलुरु के उसी रिसोर्ट का बताया जा रहा है जहां विधायक गोयल अपने साथी विधायकों के साथ रुके हुए हैं। बताया जाता है सभी विधायक एक दूसरे का मनोरंजन कर रहे हैं, ऐसे में गोयल मंच पर गाना गाते नजर आ रहे हैं। विधायक मुन्ना लाल गोयल पूरी मस्ती में नजर आए, वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में कांग्रेस विधायक मुन्ना लाल गोयल के लापता होने के मामले में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस के विधायक मुन्ना लाल गोयल को पिछले 9 दिनों से गायब हैं और उनकी जान को खतरा है और उनके साथ कभी भी अनहोनी घटना हो सकती है। ग्वालियर हाईकोर्ट में लगी याचिका में मांग की गई है कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। याचिका में कहा गया है कि मुन्ना लाल गोयल के परिजनों से उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। याचिकाकर्ता एडवोकेट उमेश बोहरे ने बताया कि ग्वालियर पूर्व क्षेत्र के विधानसभा ने विधायक मुन्ना लाल गोयल के क्षेत्र की जनता पिछले 9 दिनों से परेशान हो रही है, उनके जनहित के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। याचिका में मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, एसपी ग्वालियर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे को प्रतिवादी बनाया गया है। मामला यह है कि पूर्व क्षेत्र ग्वालियर के विधायक मुन्ना लाल गोयल का 9 तारीख से पता नहीं है वो कहाँ है, किसने बंद किया, कहाँ पे रखे हुए हैं। इसलिए मैंने माननीय उच्च न्यायालय में बंदी प्रतिष्ठण याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें हमने निवेदन ये किया है कि मुन्ना लाल गोयल को तत्काल ढूंढ के हाईकोर्ट में पेश किया जाए और जिन लोगों ने उनको बंद किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।